माशाल्लाह से ले लिए हम हमारी गाड़ी और ये है, गेस करो कौन सी है। ये है निसान पाथफाइंडर। ठीक है, तो हम लोग आए थे एविस बजट, वो भाई साहब गाड़ी की हैंड ओवर कर दिए, कार्ड ले लिए और निकलेंगे अब हम, चलेंगे यल्ला। हे अस्सलाम वालेकुम गुरु गैंग, वेलकम बैक, दिस इज़ गुरु वाला क्रिकेट शुरू। होप यू गाइस आर हैविंग एन अमेजिंग डे जस्ट लाइक द अदर डे। तो माशाल्लाह से अब हमारी जर्नी स्टार्ट होने वाली है, फाइनली हमारी गाड़ी की आप ये है ड्यूरॉन्ग है, और बहुत मेहनत के बाद जैसा कि आप लोगों को बताता हूँ कि इस गाड़ी के पीछे कितनी 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 भागम दौड़ी हुई और कितनी देर के बाद ये गाड़ी मिली। तो हमारी ट्रिप बहुत देर से स्टार्ट हो रही है, तो ट्रिप स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को पहले क्या करना है, पहले सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पे क्लिक करना है, और इंस्टाग्राम पे यहाँ पे फॉलो करिए, स्नैपचैट पे यहाँ पे, और टिकटॉक पे यहाँ पे। और मैं आप लोगों को फ़ौरन से पहले अपने साथ गाड़ी में बैठ के निकलता हूँ, जर्नी पे ले जाता हूँ, और फिर आप लोगों को सुनाता हूँ कि हुआ क्या था, और फिर आपको बताऊँगा कि ये गाड़ी कब कैसे कहाँ पर हमको मिली। सही है ना? तो चलो अभी ट्रिप पर निकलते हैं, देर हो रही, स्टेशन से फ्यूल फुल कर लिए और अब हम जा रहे हैं। चलो गाड़ी में बैठेंगे, यल्ला बिस्मिल्लाह। हम लोग मैरियट में हैं, कोर्टयार्ड मैरियट, और ये दोनों रूम्स हमारे हैं। सो टू टू ये रूम, सफिशिएंट फॉर द नाइट, जबरदस्त। और ये बाथरूम, गुड रीजनेबल प्राइस, सिक्योरिटी वाइज मैरियट इज प्रेटी गुड। तो वेलकम बैक। तो बेहतरीन रहा सफ़र, बट सफ़र सारा रात का रहा। तो हम लोग आए होटल में, चेक इन करे और सो गए थे। अभी सुबह सुबह उठा हूँ और कंटिन्यू कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को मैं बता सकूँ कि हुआ क्या था असल में। तो हमारा प्लान ये था कि हम लोग डे ड्राइव करेंगे और पहुंचेंगे कोई भी, जो भी डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं, और होटल में चेक इन करेंगे, हम 3-4 बजे तक चेक इन कर लेंगे और डे में सिटी फिर लेंगे और रात में फिर सो जाएंगे, फिर सुबह फिर सेम थिंग। तो इस हिसाब से नहीं हो पाया, तो हमारी जो पहली जर्नी थी वो बड़ी ख़राब स्टार्ट हुई, शाम के टाइम पर स्टार्ट हुई। अब बताता हूँ क्यों। अब आप बोलेंगे, जैसा कि ये वीडियो का टाइटल अभी पढ़ के समझ गए होंगे, क्या ये एविस की थी गलती है या बजट की है या मेरी है। तो मैं बताता हूँ कि ये गलती मेरी है, बजट का और एविस का इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। ऐसा हुआ कि सबसे पहले हम एक कार बुक करे थे, ठीक है, हाईलैंडर बुक करे थे। उसके बाद जब हाईलैंडर देखे तो उसमें ये महसूस हुआ कि भाई उसके बैग्स में बैग्स नहीं लगे आएंगे और इट विल बी अ वेरी स्मॉल व्हीकल। हाँ, पैसेंजर्स बड़े आराम से बैठ जाएंगे बट बैग्स नहीं आ पाएंगे। तो हम क्या करें, चेंज कर लिए जाके, फिर बजट के ऊपर से बोले कि भाई हमें पाथफाइंडर दे दो। तो एविस और बजट दोनों कोलैब हो चुके हैं यहाँ पे यूएस में। तो हम गए वहाँ पे पाथफाइंडर लेने के लिए, पाथफाइंडर ले भी लिए, बेहतरीन सी गाड़ी थी। पीछे हम बोले कि भाई चलो मैनेज भी कर लेंगे, एक थोड़ा सा स्पेशियस था तो उसके अंदर हम लोग लगेज रख देने वाले थे। बट फिर ये हुआ कि वो गाड़ी थोड़ा राइट की तरफ खींच रही थी,
तो हम वापस गए बजट पे, तो बोले कि भाई आप हमारे पास एट द मोमेंट नहीं है, क्योंकि याद रखना कि समर में बुकिंग्स हाई पीक पे रहते हैं। तो हम लोग गए थे यूकॉन देखने के लिए, भी सोल्ड आउट। आखिरी में यही ऑप्शन था कि यूकॉन ले लेंगे, तो यूकॉन भी सोल्ड आउट था, वैंस भी सोल्ड आउट थे, मतलब कुछ बचा ही नहीं था, तो एक दो गाड़ियाँ ही थे। तो बताया कि भाई आप जाइए एयरपोर्ट के ऊपर, और एयरपोर्ट के ऊपर से आप ट्राई करिए, क्योंकि हम लोग यहाँ लोकल ब्रांच से लिए थे, तो फिर एयरपोर्ट पे जाके ट्राई करिए, वहाँ से आपको मिल जाएगी। जब एयरपोर्ट पे गए, वहाँ पर भी इतनी लंबी क्यू, सारे रिजर्वेशंस वाले लोग ठहरे हुए थे, फिर भी एक मैनेजर ने हेल्प आउट करके हमें कहा कि ऊपर जाइए, आपको रिप्लेसमेंट मिल जाएगी। तो जब ऊपर गए तो रिप्लेसमेंट मिली हमें टेरन। अब टेरन इतनी छोटी है कि उसमें सिर्फ सेकेंड रो है, थर्ड रो तो है ही नहीं, थर्ड रो सिर्फ लगेज का है। मैं बोला कि नहीं चाहिए यार, ये गाड़ी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे तो हो ही नहीं पाएगा। तो फिर रिक्वेस्ट करने के बाद मुझे स्पेशल डिस्काउंट मिला, और उसके ऊपर मुझे ड्यूरोंगो मिली, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 2,200 डॉलर्स तक मुझे पड़ी है फॉर अ मंथ। तो बेहतरीन सी गाड़ी है, और हाइब्रिड ही है, ठीक है। सिग्नल्स के ऊपर ऑटोमेटिकली ऑफ ऑन हो जाती है, मतलब यानी कि मैं भी इसके कई सारे फंक्शंस एक्सप्लोर कर रहा हूँ। तो निकलते हैं यहाँ से, ज़रा थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लेंगे और फिर नीचे उतर के बात करेंगे, सही है? तो जुड़े रहो। बेहतरीन बारिश हो रही है यहाँ पे, और ये है हमारी दूसरी गाड़ी, वो गाड़ी चेंज करवा दी है। नहीं, आप क्या समझे कि मैं आपको इसी वीडियो में, इसी व्लॉग में पूरा लेके जाऊंगा आपको हमारे अगले डेस्टिनेशन तक? बिल्कुल भी नहीं। आपको कमेंट और लाइक करके बताना है कि ये वाला व्लॉग कैसे लगा, और आप कल फिर देखेंगे हमारी जर्नी जो स्टार्ट हुई है फॉर नेक्स्ट डेस्टिनेशन, वो कैसी थी। मिलते हैं अगले व्लॉग में। टेक केयर, सलाम अलैकुम।